जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र चार्टर्ड एक्ट 1813 से लेके वुड के घोषणा पत्र 1854 ईस्वी तक, इस बीच के जो भी मुख्य कार्य हुए हैं भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, उन हर एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि प्राच्य पश्चात विवाद क्या था और मैकाले का विवरण पत्र क्या था, वुड का घोषणा पत्र क्या था, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले ना सीक्वेंस समझना होगा कि कब कैसे क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे अगर हम पहले बात करें, सीक्वेंस कुछ इस तरह से शुरू होता है। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक आज्ञा पत्र जारी करती है और उस आज्ञा पत्र में कुछ नई धाराओं को जोड़ा जाता है। अब उस नई धारा में कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो गुट में बट गई और एक विवाद शुरू हो गया। इस विवाद को कहते हैं प्राच्य पश्चात विवाद। और इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत में आते हैं मैकाले भारत में आते हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए। और मैकाले इसको सुलझा के अपना एक विवरण पत्र जारी करते हैं सन 1835 ईस्वी में, जिसे हम मैकाले का विवरण पत्र और मैकालेस मिनट्स के नाम से जाना जाते हैं। अब यह विवरण पत्र आता है उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग के पास। बेटिंग उसी विवरण के आधार पर अपना फैसला सुना देते हैं। हालांकि उस फैसले के बाद भी यह विवाद खत्म हुआ 1839 ईस्वी में एक नए गवर्नर जनरल के आदेश के बाद, ठीक है, 1839 ईस्वी में ख़त्म हुआ। और फिर जाके 1854 ईस्वी में एक नया घोषणा पत्र आता है जिसे हम वुड का घोषणा पत्र या वुड का डिस्पैच कहते हैं। तो ये वो सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस को समझते हैं इजीली वन बाय वन करके कि चीज़ें क्या थी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट से, आज्ञा पत्र 1813 ईस्वी। चार्टर्ड एक्ट इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि चार्टर्ड एक्ट वास्तव में होता क्या है। देखिए, भारत में एक कंपनी कार्य करती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उस कंपनी को क्या अधिकार है, उसके पास जो लाइसेंस है काम करने का, वो हर 20 साल के बाद से रिन्यू होता है, पुनर्नवीकरण होता है, ठीक है। तो 1813 ईस्वी में उस कंपनी के लाइसेंस का नवीनीकरण का समय था, रिन्यू का समय था। तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट एक आदेश जारी करती है, एक आज्ञा पत्र जारी करती है। उसी आज्ञा पत्र को 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र और 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट कहते हैं, ठीक है। 1813 ईस्वी से ठीक 20 साल पहले जब 1793 ईस्वी में इस कंपनी को लाइसेंस मिल रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य थे रॉबर्ट विल्वर फोर्स ये मांग कर रहे थे कि कंपनी को भारत में व्यापार के साथ साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की भी आज्ञा दी जाए। लेकिन उसी पार्लियामेंट में एक और सदस्य थे रैंडल जैक्सन ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, भारत में हमारी कंपनी व्यापार करने गई है तो वो व्यापार करेगी, वहाँ पे किसी धर्म का प्रचार नहीं करेगी। तो 1793 ईस्वी में यह पारित नहीं हो पाया कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करेगी, ठीक है। लेकिन जब उसके 20 साल बाद 1813 ईस्वी को जब आज्ञा पत्र जारी हुआ, तो यह मांग काफ़ी तेज़ी से उठने लगी कि नहीं, कंपनी को भारत में व्यापार के साथ ही साथ अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और अपनी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार और अपनी हुकूमत चलाने के लिए एक आदेश जारी किया जाए। और कंपनी को ये आदेश दिया जाए कि कंपनी भारत में ज़ोर शोर से अपने ईसाई धर्म का प्रचार करे। तो इस मांग के बाद 1813 ईस्वी में कंपनी को यह आदेश दे दिया गया कि आप वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ नई धाराएं जोड़ी गई 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र में। तो तीन नई धाराएं जोड़ी गई। अब यहीं से विवाद शुरू होता है, ज़रा ध्यान से यहाँ से देखिएगा। तो अब धारा 43 को पढ़िए कि धारा 43 में क्या लिखा था कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो धारा 43 में एज इट इज़ लिखा था ताकि साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान का आरंभ तथा उन्नति के लिए 1,00,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट 1,00,000 रुपये कंपनी को देगी कि वो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करे और भारत के जो विद्वान हैं उन पर यह 1,00,000 रुपये खर्च करी जाए। हूबहू इसी तरह से लिखा गया था। इसके अलावा जो अन्य दो नई धाराएँ जोड़ी गई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में शिक्षा के प्रसार का पूर्णतः छूट, और तीसरा था यूरोपीय देश के किसी भी मशीनरी द्वारा भारत में प्रवेश की ईसाई धर्म, संस्कृत व शिक्षा के प्रचार प्रसार अब पूर्णतः अनुमति प्राप्त हो गई। इसमें मुख्य धारा धारा 43 भी थी। अब इस धारा 43 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो शब्द लिखे गए, वो यह लिखा है कि साहित्य के पुनरुद्धार के लिए और उन्नति के लिए, और दूसरा स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए।
अब इन दो शब्दों में कंपनी के अंदर एक विवाद शुरू हो गया, जिसको कहते हैं प्राच्य पश्चात विवाद। ठीक है, जो प्राच्यवादी थे उनका यह कहना था कि भारत के साहित्य के लिए, अर्थात भारत की जो पुरानी साहित्य थी जैसे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, ठीक है, इसके उत्थार के लिए 1,00,000 रुपए खर्च होंगे, और जो भारत के विद्वान कहे जाते हैं, अर्थात वह विद्वान जो हिंदी, अरबी और फारसी के विद्वान हैं, उनके लिए। इसके विपरीत जो पश्चातवादी थे उनका यह मानना था कि ना, ये जो 1,00,000 रुपए है वो भारत के हिंदी संस्कृत के लिए नहीं है, वो अंग्रेजी के लिए है, अंग्रेजी के प्रचार प्रसार के लिए है, तो यह 1,00,000 रुपए अंग्रेजी के प्रचार प्रसार में ख़त्म किया जाएगा। और जो पश्चातवादी थे, जो यानी कि जो अंग्रेजी का समर्थन करते थे, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को इतना हीन भाव से समझते थे कि उन्हें कहा था कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मड़ासन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, उसे पुनः जीवन प्रदान करना मानव प्रयास के बाहर की बात है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्य के पुरातन निरार्थक हैं, विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने बड़े ही कठोर निंदा की थी भारतीय संस्कृति के। उन्होंने कहा था कि 1,00,000 रुपए जो हैं वो पूर्णतः अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी और अंग्रेजी विद्वानों के ऊपर खर्च की जाएगी। ठीक है, अब तो इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए 10 जून 1934 ईस्वी को गवर्नर जनरल काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं मैकाले। अब मैकाले कानून के बहुत बड़े जानकार थे, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेटिंग, उनको पूरी उम्मीद थी कि मैकाले इस विवाद को हल कर देंगे। तो इसी प्राच्य पश्चात विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले की कानून सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई। अब मैकाले के समक्ष वो दोनों लोग लाए गए, जो प्राच्यवादी थे और जो पश्चातवादी थे, दोनों ने अपनी राय रखी। ठीक है, कि यह पैसे कहाँ खर्च की जाए। दोनों राय को सुना, चिंतन किया और अध्ययन करने के बाद मैकाले ने 1835 ईस्वी में एक विवरण पत्र लिखित तौर पर जारी कर दिया उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग के पास। लॉर्ड बेटिंग को उन्होंने लिखित रूप में अपना एक विवरण पत्र जारी कर दिया। लेकिन मैकाले भी अंग्रेजी शिक्षा की तरफ थे, उन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षपात किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर ही पैसे खर्च करने की बात करी और बड़े ही कठोर शब्दों में हिंदी साहित्य की निंदा करते हुए उन्होंने कुछ कहा। पहले देखते हैं कि लॉर्ड बेटिंग ने अपने विवरण पत्र में क्या कहा। 1,00,000 रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबद्ध नहीं है, वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी पर भी व्यय कर सकती है। लॉर्ड बेटिंग ने कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और फारसी संस्कृत साहित्य नहीं आती, बल्कि साहित्य शब्द का मतलब अंग्रेजी साहित्य से लिया गया है। लॉर्ड मैकाले ने और कहा कि भारतीय विद्वान का मतलब भारत के मुसलमान मौलवी या संस्कृत के पंडित नहीं है, भारतीय विद्वान का मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने वाले विद्वान हैं। और मैकाले ने इस पक्ष में अपना तर्क क्या दिया, क्यों उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की तरफ पैसे खर्च करने की बात करी, क्योंकि मैकाले ने कहा था कि अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी कहीं अधिक उच्च स्थान है। मैकाले ने कहा कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत अरब के संपूर्ण साहित्य के महत्व के बराबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी की तरफ अपना पक्ष रखते हुए मैकाले ने विवरण पत्र जारी कर दिया, और उसे विवरण पत्र उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने मुहर लगा दी और आदेश दे दिया कि यह जो 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष खर्च करना है वो अंग्रेजी शिक्षा, उसका अधिकतम भाग, उसका ज़्यादातर भाग अंग्रेजी विद्वान और अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और इस आदेश के बाद जो लॉर्ड बेटिंग थे वो अपने देश वापस चले गए, भारत के गवर्नर जनरल बदल गए थे। तो लॉर्ड बेटिंग के जाने के 13 दिन बाद से जो प्राच्यवादी थे जो संस्कृत और अरबी की बात करते थे, उनका आंदोलन और उग्र हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पैसे केवल अंग्रेजी के लिए क्यों खर्च होंगे। तो उन्होंने फिर से आंदोलन कर दिया और उस समय फिर नए गवर्नर जनरल आ गए थे, गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने देखा कि यह विवादें बहुत अच्छी तरह से अभी सॉल्व नहीं हुई है, ये ऐसे ही विवाद चल रहा है। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने एक बड़ी समझदारी का फैसला लिया। उन्होंने प्राच्यवादियों से कहा, आपकी यह शिकायत है कि आपकी शिक्षा में कम पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो ठीक है, लॉर्ड बेटिंग ने जो आदेश दिया है, उन्होंने जो फैसला दिया वो वैसे के वैसे रहेगा, इसके अलावा भी प्रति वर्ष आपको 35,000 रुपये और दिए जाएंगे। तो बड़े ही समझदारी का फैसला लिया लॉर्ड ऑकलैंड ने। और जब प्राच्यवादियों को ये लगा, संस्कृति सभ्यता को सपोर्ट करने वालों को ये लगा कि लॉर्ड बेटिंग के फैसले के साथ साथ हमें 35,000 रुपये और मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने यह मामला सुलझा दिया, यह विवाद यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो प्राच्य पश्चात विवाद का अंत यही हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, जब उन्होंने 35,000 रुपये अत्यधिक प्राच्यवादियों को देने की बात करी, तो इस प्रकार से यह विवाद ख़त्म हो गया। ठीक है,
और इस विवाद का अंत कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। तो ठीक है, देखा आपने 1813 ईस्वी को शुरू हुई प्राच्य पश्चात विवाद 1839 ईस्वी को ख़त्म हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वुड के घोषणा पत्र के बारे में कि वुड के घोषणा पत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए 1853 ईस्वी में फिर से उस कंपनी की लाइसेंस की रिन्यू यानी कि नवीनीकरण की बात हो गई। अब चूंकि 1853 ईस्वी में कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करना था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अच्छी तरह से पता था कि अब भारतीयों के अंदर अपनी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता हो गई है, तो कोई विवाद ना हो तो इसीलिए एक नई समिति की गठन की गई जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके अध्यक्ष बनाए गए चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड को ये कहा गया कि आप भारत की शिक्षा पर रिसर्च करिए और बताइए कि भारतीय शिक्षा की अच्छाई के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। वुड ने पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक सिफारिश भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, इसी सिफारिश को वुड के घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि वुड ने आखिर क्या क्या सिफारिशें करी थी भारत की शिक्षा के उत्थान के लिए। तो इन्होंने टोटल 15 सिफारिशें मुख्य भेजी थी, उन 15 सिफारिशों को हम केवल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वुड के सिफारिशों में सबसे पहला था कि शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए या शिक्षा के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए और पूरे भारत में भारत के हर एक जन जन तक शिक्षा के उद्देश्यों को पहुंचाया जाए और सभी को शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी कार्य इतना सफल नहीं हो सकता जितना कि शिक्षा एक इंसान का विकास कर सकती है उतना कोई भी कार्य। तो इस प्रकार से वुड ने जो पहली सिफारिश करी थी वो शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी थी, शिक्षा के उत्तरदायित्व के बारे में। उसके बाद उन्होंने दूसरा दिखा था कि शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया जाए कि हर एक वर्ष इतने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। ठीक है, तो उन्होंने दूसरी शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सिफारिश की थी। तीसरा उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाए कि वह भारत की संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी और विज्ञान की संस्कृति को भी शामिल करती हो, भारत को उनकी संस्कृति के ज्ञान के साथ साथ देश और दुनिया के विज्ञान से भी जोड़े, इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। और उन्होंने चौथा अपनी सिफारिश रखी थी शिक्षा का माध्यम। तो वुड ने यह भी कहा था कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी हो, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत की जो अपनी सांस्कृतिक भाषा है, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, वो भी शिक्षा का माध्यम बने। उन्होंने पाँचवा सिफारिश रखा था कि नए शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए, जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और नए नए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाए भारत में, अगर भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो। छठा उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करी थी। सातवां उन्होंने क्रमबद्ध शैक्षिक संस्थान, मतलब एक क्लास वाइज शैक्षिक संस्थान, जैसे क्लास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इस प्रकार के एक क्रमागत शैक्षिक संस्थान और शैक्षिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए कि बच्चे क्लास वाइज पढ़ के आगे बढ़ें। और आठवां उन्होंने सिफारिश किया था कि जन शिक्षा का विस्तार किया जाए, मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था रखी जाए जो जन जन तक जोड़ती हो, हर एक बच्चे को जोड़ती हो शिक्षा से। नौवां उन्होंने सिफारिश किया था कि सहायता अनुदान, मतलब जो बच्चे गरीब हैं पढ़ने में उनको एक सहायता अनुदान राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाए, या जो बच्चे माँ बाप अपने पढ़ाना चाहते हैं उनकी किताबों के लिए जो भी सहायता अनुदान हो सके वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि कंपनी भारत में खर्च करेगी। दसवां उन्होंने कहा था कि जो टीचर्स हैं यहाँ के उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। 11 उन्होंने सिफारिश रखी थी कि व्यावसायिक शिक्षा, मतलब शिक्षा को इस प्रकार बनाया जाए कि शिक्षा को हासिल करने के बाद लोगों की नौकरी लगे, वो अपने व्यवसाय में आगे बढ़े और उससे कुछ पैसे कमाएं। 12वां उन्होंने सिफारिश में अपनी नारी शिक्षा को जोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि भारत में पुरुषों के साथ साथ नारियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले तो कंपनी उन्हें सपोर्ट करेगी जो भी लड़कियाँ भारत में पढ़ना चाहती हैं। 13वां उन्होंने मुस्लिम शिक्षा पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी का दायित्व बने कि वो मुस्लिम शिक्षा को भी जोर शोर से सपोर्ट करे और मुस्लिम शिक्षा को भी आगे बढ़ाए और मुस्लिम शिक्षा को भी ज्ञान विज्ञान से जोड़े। तो हाँ दोस्तों, उन्होंने जो भारत की देसी भाषाएं हैं उनका सम्मान किया। ठीक है, देसी भाषाओं को सपोर्ट किया, उसे ख़त्म नहीं किया, उसका प्रोत्साहन किया, उसे सपोर्ट किया। और 15वां दोस्तों, शिक्षा रोजी रोटी, अर्थात उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक निश्चित पैमाना तय किया कि जो लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे वो कंपनी के उतने ऊँचे पोस्ट पर काम करेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में वुड ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें कंपनी को सिफारिश की कि कंपनी अगर भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहती है तो वो क्या कार्य करेगी। इस प्रकार से था पूरा मामला 1813 ईस्वी से शुरू हुआ आज्ञा पत्र और 1854 ईस्वी तक जारी किया गया वुड के घोषणा पत्र यानी कि वुड के डिस्पैच के बारे में। दोस्तों, ये पूरा वीडियो एक सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करी मैंने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शुरू से 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र से लेके उसमें जोड़ी गई 43वीं धारा, उस 43वीं धारा में क्या विवाद हुआ, प्राच्य पश्चात विवाद, और प्राच्य पश्चात विवाद का कारण क्या था, 43वीं धारा के वो दो शब्द कौन से थे जिसकी व्याख्या के लिए पूरा विवाद हुआ, और इस विवाद को सुलझाने के लिए किस कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई,
मैकाले की और मैकाले ने क्या विवरण पत्र दिया, मैकाले का झुकाव किसके तरफ था और मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा के तरफ झुकाव के क्या कारण थे, उन्होंने क्या तर्क दिया और किसने मैकाले के इस विवरण पत्र की स्वीकृति दी और आखिरकार यह विवाद किसके कार्यकाल में अंत हुआ, किसने इसका इस विवाद का अंत किया। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका अंत किया। अंत कैसे किया? प्राच्यवादियों को 35,000 रुपये प्रतिवर्ष और देने की घोषणा करके, और उसके बाद फिर 1853 ईस्वी यानी कि 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र। तो टोटल ओवरऑल दोस्तों यह वीडियो थी, मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊं ताकि जब आप पढ़ें, देखिए यह ऐसी चीज़ें इतिहास की चीज़ें जिसको बिल्कुल आप हूबहू रट तो नहीं पाएंगे, आप शब्दों की तरह रट नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप एक बार समझ जाएंगे, पॉइंट्स याद रहेगा, तो आपसे एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी पूछे आप आसानी से लिख सकते हैं चीज़ों को समझकर अपने शब्दों में। तो मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं उसका नोट्स मैं एक PDF बना के अपने टेलीग्राम वाले साथियों को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बाकी आपको भी शेयर कर दूंगा अगर आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपका जो कमेंट आएगा ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो कैसी लगी। मगर हाँ इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्टडी रिसर्च करी है, आपको यह वीडियो बना के समझाने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आई होगी। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मुझे थोड़ा मोटिवेट करें। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आप कमेंट करें फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, कमेंट में हमारी बातें चलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।